मौत का सामान बेचने वालों ने बड़ी आस के साथ हमारे घर के सामने ही ब्रांच खोल दी है। अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गई। क्या? गुल्लू के दो खत आए हैं पटना से। दो खत एक साथ? हाँ, पहले में लिखा है कि उसे नौकरी मिल गई। और दूसरे में क्या लिखा है? रिटायरमेंट की एज हो गई, इसलिए पेंशन पर घर आ रहा है। मम्मी, मैं आ गई स्कूल से। अरे गुड्डी बिटिया, आ गई आ गई। बड़ी देर कर दी आज स्कूल से आने में। आज क्लासेस भी तो देना पप्पा। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ, हाथ मुंह धो लो जाओ। 24 साल की हो गई, कब ये 10वीं पास करेगी और कब मैं इसके हाथ पीले करूंगी। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको हसी संसार मिले। गालिया गालिया लक्ष्मी। लक्ष्मी, याद है तुम्हें हमारी जवानी के वो दिन जब हमने म्यूजिक एल्बम निकाला था? हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है। अरे आग लगी हमरी झुपड़िया में, हम गावे मलहा। आग लगी, अरे हा, अरे वाह, अरे वाह। आग लगी हमरी झुपड़िया में, हम गावे मलहा। आग लगी हमरी झुपड़िया में, आग लगी। आग क्या कह रहे हैं गुल्लू? कहाँ आग लगी? अभी अभी तो कह रहे थे आग लगी। आग बड़े बंगले को झोपड़ा कहते, शर्म नहीं आती? गुल्लू मेरे भाई, जरा ध्यान से चारों तरफ देख और फिर मुझे बता कि तुझे कहीं भी आग लगी हुई नजर आ रही है क्या? नहीं गुल्लू, तुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि राज गाना गा रहा था? नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि भैंस के आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं होता। जीजा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, खबरदार आज के बाद खुद को भैंस कहकर अपना अपमान किया तो। ओहो, उनके कहने का ये मतलब था कि तुम्हें संगीत की जरा भी पहचान नहीं है। जितना संगीत मैं जानता हूँ ना, दूसरा कोई नहीं जानता। हाँ, ये बात तो सच है। भाई नाच तो आता है लेकिन आंगन टेढ़ा ना, तो उसमें ये क्या करे। स्मार्ट बन रहे हो। आप बता सकते हैं अच्छी बांसुरी कौन सी और बुरी बांसुरी कौन सी? नहीं नहीं बता सकते। मैं बता सकता हूँ, जो बजती है वो अच्छी बांसुरी और जो नहीं बजती है वो बुरी बांसुरी। वाह वाह, क्या पहचान है, क्या पहचान है। यही आपको मालूम नहीं, पटना में जब मैं कुतुब मीनार पर चढ़कर बांसुरी बजाता हूँ ना, तो सारा शहर झूमने लगता है। अरे वाह, पटना के कुतुब मीनार पर चढ़ के तू बांसुरी बजाता है? और तो और सुर सरिता ऑडियो कंपनी है, उसका मैनेजर मेरे गाने का दीवाना है। दीवाना? क्या सुर सरिता ऑडियो कंपनी का मैनेजर, इसको तू जानता है? जानता, पहचानता हूँ। क्या बात कर रहा है? हम दोनों की गहरी दोस्ती है। क्या कह रहा हूँ? सच? फेंकते हो? नहीं फेंकने रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो गाना गा के सुनाओ। अभी सुनाता हूँ, उसमें क्या। राज, यही मौका है, सुर सरिता कंपनी के मैनेजर को ये जानता है, पटाए से और अपना म्यूजिक एल्बम बनाने का बरसों पुराना सपना पूरा कर ले। शायद तुम ठीक कहते हो। गीत गाता चल अगुल्लू मुस्कुराता चल, गीत गाता चल अगुल्लू मुस्कुराता चल अगुल्लू। क्या आलाप है, वाह वाह, क्या आलाप है, वाह वाह। अगुल्लू अगुल्लू, गीत गाता चल अगुल्लू मुस्कुराता चल अगुल्लू रे। वाह वाह वाह, क्या सुरीला कंठ पाया तूने गुल्लू। वाह वाह, तुझे तो रेडियो में गाना चाहिए, नहीं तुझे टेलीविजन पे गाना चाहिए। अच्छा? हाँ, हाँ। रेडियो और टेलीविजन बंद कर सकते हैं ना? लक्ष्मी, खबरदार जो गुल्लू जैसे महान कलाकार के लिए कुछ भी कहा है तो। राजीव, आप मेरी टांग तो नहीं खींच रहे ना? क्या? मैं तेरी टांग खींच रहा हूँ? मैं, जिसका तू अपने दोस्त से कह के म्यूजिक एल्बम बनवाने जा रहा है, वो तेरी टांग खींचेगा? दोस्त? कौन सा दोस्त? वही तेरा वो सुर सरिता कंपनी का जो मैनेजर है दोस्त, वो। लेकिन मैंने कब कहा कि मैं आपका एल्बम निकलवाऊंगा? गुल्लू हाँ, महान लोग कहते नहीं रे, समझते हैं। अरे कहते तो ऑर्डिनरी लोग हैं। अब तू ही डिसाइड कर, तू महान है या ऑर्डिनरी। मैं समझ गया, मैं महान हूँ। करेक्ट। लाओ आपका मोबाइल। अरे हाँ हाँ, जल्दी लाओ, ये ले, जल्दी लाओ, ये ले। अभी अभी दिखाता हूँ। हेलो हेलो हेलो,
गुप्पू मैं गुल्लू बोल रहा हूँ। गुल्लू? ओ गुल्लू कैसा है तू? ओ तो शर्ट, तू इस वक्त कहाँ है? मैं पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। मतलब मैं जा तो रहा था मल्होत्रा के घर पर, लेकिन लगता है मैं किसी गलत घर पे आ गया। गलत घर में जा ही सकता है, देख मैं क्या बताता हूँ, मल्होत्रा का एड्रेस कौन है? कौन है भाई? गोपाल गुल्लू एनी मैनी पान की खैनी लाल दुपट्टा गली का कुत्ता झिंगा लाला I'm Sur Sarita Audio Cassette Manager Gopu Makhija. Sur Sarita, आप ही मैनेजर साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम राज सेठी, राज सेठी। आप सचमुच गुल्लू के दोस्त हैं? हाँ, ये मेरा काला दोस्त है। अरे कैसी बात करता है गुल्लू, ये तो अच्छे खासे गोरे चिट्टे, उन्हें काला कहता है तू? क्या जी बचपन में मैं काले कारनामे करता था ना, तो ये मेरा साथ देता था, इसलिए आज तक मैंने इसके बारे में बताया नहीं आपको। जो कुछ भी हूँ सिर्फ कुल्लू की वजह से हूँ। अच्छा गोपू, मैं इसी की वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। गोपू, हम दोनों चिड़िया की शिकार करने जाया करते थे। चिड़िया को मारने के लिए गुल्लू टॉप उठाता था, मैं चिड़िया को उड़ाने के लिए थाल बजाता था। वहीं से मेरा म्यूजिक सेंस जागृत हुआ, डेवलप हुआ। आज उसी उपकार को रिटर्न करने का वक्त आ गया। हाँ हाँ हाँ। गुल्लू बता तेरे लिए मैं क्या करूँ? मेरे जीजाजी का म्यूजिक एल्बम बनाना है। ये गाते हैं क्या? जीजाजी चैलेंज, कम ऑन कम ऑन। ओके बस 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 बस, आपकी प्रतिभा को मैं समझ गया। कौन है ये, पहचानो इसे? शक्ल से तो कोई कातिल मालूम पड़ता है। अरे सूर सरिता का नया गवैया है। सूर सरिता वाले इसी तरह नए टैलेंट को ढूंढते रहेंगे तो हमारी कंपनी का क्या होगा? अरे मैंने भी नया टैलेंट ढूंढा था, दलेर सेहंदी, लेकिन दर्शकों ने उसे मेहंदी लगाकर गायब कर दिया। अगर यही हाल रहा तो हमारी म्यूजिक कंपनी बेचकर हमें जूस की दुकान खोलनी पड़ेगी। अरे है कौन ये डॉक्टर राज? अरे रोको इसे। अरे वो लाठी का रिश्तेदार है, जिंदा है। शेम शेम, अरे ये क्या पॉप गाने गाएगा, इसके गले से तो दर्द भरी गजलें निकलेगी। मैंने सुना है सुर सरिता का मैनेजर गोपू गुल्लू लाठी का गहरा दोस्त है। अगर हम गुल्लू को ठिकाने लगाएंगे तो डॉक्टर राज का एल्बम कभी नहीं बनेगा। अरे हो गया कि नहीं? हो रहा है। अरे जल्दी करो, आ रहा। हो गया। चल निकल। एक मिनट, ये तूने लगाया? हाँ, पता तो चले। चल। अंकल, ये आपका ये। अंकल। बड़ी है। अच्छा डेकोरेशन है। माफ करना भगवान, धरती का बोझ तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। कमाल है ये घड़ी तो। बंद हो गई। कोई बात नहीं, चोर बाजार में 5-10 रुपए मिल जाएंगे। गुल्लू तो क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। बिल्कुल टाइम बॉम्ब जैसी लग रही है। मुझे दे देना प्लीज। ओहो लक्ष्मी, प्लीज मुझे रियाज करने दो। दीदी लेकिन ये चलती नहीं है। तुम स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, मैं ठीक कर देती हूँ। मैं सोच रहा था भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया, लेकिन बाद में पता चला भगवान ने अच्छी तरह से छप्पर नहीं फाड़ा था। भगवान को दोष मत दो। क्यों ना दो, ना मैं टकरा था, ना मेरे हाथ से घड़ी गिरती और बंद हो जाती। ओहो ऐसे खराब हुई? मैं इसे पटक देती हूँ, ठीक हो जाएगी, टूट जाएगी। लक्ष्मी लक्ष्मी, ये शोर शराबा बंद करो ये शोर शराबा, मुझे सीरियसली रियाज करना है। कहाँ बंद हुई है, अच्छी खासी तो चल रही है। देखो मैंने कहा था ना,
घड़ी चल रही है। बचाना मुश्किल है, पूरी तरह से फट गया है। क्या? नहीं गुल्लू। अरे अरे इसमें इतना इमोशनल होने वाली क्या बात है? नया कुर्ता सिलवा देना। कुर्ते की बात कर रहे हैं? हाँ, बाकी ये तो वन पीस है। मुझे डर है कि कहीं इनके दिमाग पर गहरा असर न पड़ा हो। दिमाग? दिमाग की तो मुझे फिक्र ही नहीं है। इन 10 सालों में मैंने दिमाग छोड़ा हो तो असर होगा ना। जीजाजी के बाद तेरा क्या होगा? गुल्लू तो ऐसी बातें क्यों करता है? अब कल ही मैंने उनका बैंक बैलेंस देखा, काफी है। अच्छा? नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे ऐसा लगा अभी अभी मानो किसी ने मेरे कान के पास एक जबरदस्त बम फोड़ा हो। अभी अभी? जीजाजी आप ठीक तो हो ना? गुल्लू तुझे क्या हो गया? तेरे होंठ फड़फड़ा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। राज, भगवान का सौ सौ शुक्र है कि तुम बच गए। हाँ गुल्लू मैं ठीक हूँ। ओह नो, जिस बात का डर था वही बात हो गई। क्या? क्या इन्हें एक दिमाग की बीमारी हो गई है, एस्ट्रेपोक्सिया लेटिंग ऑफ द ईयर। ईयर की बीमारी है क्या? नहीं, इस बीमारी में इंसान को लेट सुनाई देता है। मतलब आप जो अभी कहेंगे वो उन्हें थोड़ी देर बाद सुनाई देगा। हाँ लक्ष्मी, भगवान का सौ सौ शुक्र है कि मैं बच गया। अरे दीदी, सो रहे ना? मेरा जी करता है जीजाजी को जिंदगी भर सुला दो। तेरी दीदी विधवा होने से बच गई, तुझे उस बात की खुशी नहीं है? है ना, लेकिन तेरा भाई बीमे के रकम से लखपति होते होते रह गया, इस बात का तुझे दुख नहीं है? पैसा क्या है, हाथ का मैल। जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ मैले होते होते रह गए। कब टूटा? फिर कब टूटा? लक्ष्मी आजकल इस घर में रोज कब टूट रहे मैं देख रहा हूँ। राज, कब टूटे सदियां बीत गई। कब टूटे सदियां बीत गई। लक्ष्मी तुम्हारे माइक में कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारे होंठ फड़फड़ा रहे हैं लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रही। कमाल है। क्या क्या? मैंने कितनी बार तुझे कहा मेरे कान के सामने तालियां मत बजाया कर। पागल हो जाऊंगा जी, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम क्या कर रही हो? कब टूटे सदियां बीत गई, अभी अभी मेरे सामने कब टूटा है भाई। हेलो, कौन? गुप्पू। ये कैसी बातें कर रहा है? मैं इसे पागल क्यों कर दूंगा? वो कुत्ता घुस गया। क्या तुम एल्बम की रिहर्सल करने के लिए घर आ रहे हो? ऑर्केस्ट्रा लेकर? नहीं, आइए ना, आइए घर तुम्हारा ये। ओके, तो मिस्टर राज जब भी मैं 1 2 3 कहूंगा तब आप गाना शुरू कर दीजिए। ओके, या ही सॉरी, या ही सॉरी। ये क्या कर रही हो तुम? और एक बात बताओ लक्ष्मी, ये आदमी मुझे कह क्यों नहीं रहा है कि गाना कब शुरू करना है? ये राज ने गाना शुरू नहीं किया है, गोपू बाजू में खड़ा है और राज ने गाने के लिए मुंह खोला और कोई आवाज नहीं निकल रही है। और भो रनिंग कमेंट्री की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं देख सकता हूँ। देख चुपचाप। 1 2 3 स्टॉप 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 स्टॉप। गुल्लू गोपू को बता दे राज की बीमारी के बारे में। इज्जत का ऑमलेट बनाना है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राज जी, मिस्टर राज जी, आप क्यों नहीं गा रहे? प्लीज गाइए आप। गोपू क्या है, क्या तुझे मूड नहीं है गाने का? क्यों मूड क्यों नहीं है? क्योंकि वो उन्होंने सुबह 5 बजे पान खाया था तो उनकी आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? एलर्जी है। ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। क्या बोल रहा है तू गोपू? अरे एकदम सही बोल रहा हूँ गुल्लू, कल कंपनी के हेड राज का गाना सुनने आएंगे और उनको गाना पसंद आने पर ही वो राज का एल्बम बनाएंगे ना। ओके बाय बाय। बिना मतलब के रिस्क कौन लेगा? क्यों? जीजा जी
इस गोपू के सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला तो नहीं करना चाहते ना? नहीं नहीं, राज इतना गिरा हुआ नहीं है, फिर भी आजमा के देखते हैं। आ जाओ जीजा जी, बाहर गेट के पास रुपयों से भरा थैला पड़ा हुआ है। क्या? I don't believe it. देखा मैं पकड़ा में भरा। अरे सच सच लक्ष्मी, तुमने मेरे लिए नाश्ते में समोसे बनाए? क्या? ये बात तो मैंने 15 मिनट पहले कही थी। देखना मैं पूरा के पूरा खा जाऊंगा। अरे देख, मैंने कहा था ना राज गिरा हुआ नहीं है। नहीं गिरे हुए, सुबह बाथरूम से गिरे थे और बचपन में छप्पड़ से गिरे थे। किसका फोन था? वो गोपू का, उस कंपनी का हेड घर में आने वाला है, वो पहले जीजा जी का गाना सुनेंगे, अगर उनको पसंद आया तो वो एल्बम के लिए परमिशन देंगे। राज कहाँ गया? इन्हें अभी सुना दिया होगा कि गेट के पास रुपयों से भरा थैला पड़ा है। लेकिन ये बात तो तुमने सिर्फ 2 मिनट पहले कही थी। मतलब की बात है ना, इसलिए जल्दी सुनाई थी। गुल्लू, हम कभी राज के काम ना आए, हमारा फर्ज बनता है कि उसके एल्बम बनाने का सपना पूरा करें। तो चलो जीजा जी को रिपेयर करते। कैसे? जैसे बिगड़ गए थे वैसे रिपेयर करेंगे, बम से। अरे अरे गुल्लू, मुझे बांध क्यों रखा है लक्ष्मी? गुल्लू ये क्या कर रहे हो तुम? देखते जाओ। गुल्लू राज को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, टाइम बम से कुछ नहीं हुआ, ये तो मामूली बम है। अब या तो कान नहीं या बीमारी नहीं। बम कौन से कान के पास फोड़ा था आप लोगों ने? वो सर के बाजू में लटक रहा है ना, वहाँ पे लेफ्ट कान के पास। वेरी गुड। और वो टाइम बम कहाँ पर फटा था? राइट कान में। ओह माय गॉड, अब उनके लेफ्ट कान में भी खराबी आ गई है, अब इन्हें डबल एस्ट्रे फोक्सिया लेटिंग ऑफ द ईयर हो गया है। मतलब? मतलब अब ये 3 घंटा लेट सुनेंगे। मैं कहा हूँ कोई बम बम फटा क्या? हाँ अभी अभी फटा, अभी फटा। अरे जवाब क्यों नहीं दे तुम लोग, और मुझे बांध के क्यों रखा हुआ था? राज, हमें ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम्हें एक्सरे फॉक्सिया लेटिंग ऑफ द ईयर नाम की बीमारी हो गई है। ये कौन सी बीमारी है? काश राज तुम डॉक्टर की क्लासेस में मन लगाकर पढ़ते तो तुम्हें पता चल गया होता इस बीमारी का। इस बीमारी के कारण सब कुछ लेट सुनाई देता है। ओह माय गॉड, तभी मैं सोचूं कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ये इसका मतलब जीजा जी का गोपू के सामने इंसल्ट पक्का। मैं इंसल्ट नहीं होने दूंगी, चलो हम कुछ सोचते हैं। वाकई कुछ सुनाई नहीं देता। आपको 6 बजे सुनाई देगा, आप उस गाने पे सिर्फ ओंठ हिलाइए ताकि लोगों को लगे कि गाना आप गा रहे हैं। लेकिन इतनी झंझट क्यों? सिंपल, ताकि जीजा जी को म्यूजिक वालों के साथ एडजस्टमेंट करना ना पड़े। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, गुड आइडिया। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं। लक्ष्मी पता है मैंने वो जो कमरे में ताली मारी थी ना, वो मुझे अब सुनाई दी। अरे वाह, चुटकी भी सुनाई दी। हो गोपू, देखो ना प्रॉब्लम क्या है, जाओ ना बोलो ना, जल्दी शुरू करो। क्या हो रहा है ये? अभी शुरू हो जाएगा, आप बैठ जाइए ना। मिस्टर प्लीज आप जल्दी गाइए, बॉस को देर हो रही है। हाँ गाएंगे गाएंगे। One, two, three. हर हमसे गाना। वाह क्या आवाज, लगता है किशोरदा खुद मेरे सामने आकर गा रहे हैं। इस नाजिस नहीं है, हीरा डंडा है सर। डिसूजा वक्त आ गया इस हीरे को कोयला बनाने का। तो बना देते हैं, देर किस बात की। बैक अप गोपू,
वकील बुलाओ। सर वकील क्या जरूरत है? वकील की क्या जरूरत है? इन पे धोखेबाजी का मुकदमा दायर करने के लिए। नहीं तो क्या वकील कहां आकर ये टैप रखो नहीं ठीक करेगा। नहीं सर वो प्लीज माफ कर दीजिए। भागो। सुना सुना भोपू मुझे आगे बोलने नहीं आता, चल मैं जाता हूँ। टेप रिकॉर्डर खराब हो गया, ये कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, छोड़ना नहीं। अरे मुझे नहीं उसे छोड़ना नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाना, ऐसा सबक सिखाना कि क्या क्या बाद में बताऊंगा। सर अभी कांग्रेचुलेशन डिसोजा, कांग्रेचुलेशन साहूजा। चलो चलो एक मिनट पहले लाइट तो ऑन कर देते हैं। इन बेचारों ने अपना क्या बिगाड़ा है? ठीक है क्षमा कहे परमा। अच्छा आगे निकल रहा है यार। अब क्या फायदा? इसका मतलब आपको सुनाई देता है? और सुनाई देता है? कमाल हो गया। कांग्रेचुलेशन आपको। क्यों? हां कांग्रेचुलेशन कमाल गया। हां पड़ गया वीडियो बना सकते हैं। अगले जन्म लक्ष्मी, उस रोज अगर बेवक्त बिजली नहीं चली जाती तो आज किशोर कुमार के बाद लोग राज सेठी का नाम ले रहे होते। लेकिन तुम्हारी म्यूजिक एल्बम तो बनी ही नहीं ना। वक्त वक्त की बात है, लेकिन हाँ लक्ष्मी, अभी तक मेरे गाने का हौसला वैसे ही बरकरार है। दिल जलता है तो जलने दे। आग लगी है जीजा जी, मुझे बताओ मैं बुझा देता हूँ। अरे फिर आ गया तेरा भाई। वो गाते